तो क्या बता रहे थे आपको, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो अभी बताया मैंने आपको कि जो मैटर का स्टेट है बेसिकली, जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताया आपको क्लास 9th के हिसाब से, सॉलिड लिक्विड और गैस, यही तीन चीज़ आपको बेसिक पढ़ना है क्लास 9th में, ठीक है। तो उसके स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। साथ में बोलते रहो आप लोग, आप लोगों की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं, कमेंट करके बता दो। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाई टू मेथड, हम लोग जो मैटर का स्टेट दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैटर का स्टेट हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो तरीका कौन कौन सा है। पहला जो तरीका है बाई चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एंड जो दूसरा मेथड है क्या है, बाई चेंज इन प्रेशर, ठीक है। जो मैटर के स्टेट को हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके, क्लियर हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ा सा गोल्डन वर्ड है, इसको याद कर लो आप लोग। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो एक चीज़ आपको याद रखना है, हीटिंग कैन रिड्यूस द, ये आपको याद रखना है क्या, हीटिंग कैन रिड्यूस द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हीटिंग से क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर किसी चीज़ को हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके जो बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है पार्टिकल्स के बीच में, क्या होगा, वो टूटेगा, गैपिंग बढ़ेगा उससे, यानी कि हीटिंग कैन रिड्यूस द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं, पार्टिकल्स जो होंगे सॉलिड के, लिक्विड के या फिर गैस के, क्या होंगे, दूर दूर होंगे अगर हम किसी चीज़ को हम हीट करेंगे तो। अब कैसे होगा, अब मैंने बताया बाई चेंज इन टेम्परेचर, मान लो हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अगर हम सॉलिड को क्या करते हैं, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, हमारे पास क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को क्या करते हैं हम हीट करते हैं, सॉलिड को क्या करते हैं हम हीट करते हैं, ठीक है। तो किसमें चेंज होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अब देखो सॉलिड है कोई भी, उसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा, मेल्ट हो करके लिक्विड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हीट एक एनर्जी है। क्या करता है वो, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या करता है ये, उनके बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, कम करता है। और कम करेगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, और पार्टिकल दूर दूर आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये समझना है। ये मैं इसलिए मैं आपको ये समझा दिया, हीटिंग कैन रिड्यूस द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, हीट करेंगे तो, यानी उसे मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है। अब लिक्विड को भी अगर हम हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, क्लियर हो रहा है। यानी कि सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, उसे हम मेल्टिंग बोलेंगे, और लिक्विड को हम हीट करते हैं तो किस में, देखो हीट करने का मतलब क्या है, उसके जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या होगा, कम होगा, यानी पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, हीट करेंगे तो। यानी इसे क्या, लिक्विड से गैस में चेंज करें हीट करके तो कौन सा प्रोसेस, तो बॉइलिंग हुआ, उसे बॉइलिंग बोलते हैं। अब देखो हम फिर उल्टा प्रोसेस करें, यानी कि अगर हीट को हम वापस लेना स्टार्ट कर दें, हीट को क्या करें, वापस लेंगे, अगर देखो हीट हम दे रहे थे तो पार्टिकल दूर दूर जा रहे थे, अगर हीट को हम लेंगे तो क्या होगा, अगर हीट हम वापस ले लेंगे तो पार्टिकल फिर क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक जाएंगे, ये कंसेप्ट समझना था, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, क्या करते हैं भाई, गैस को कूल करते हैं तो क्या होगा, देखो जैसे गैस को हमने क्या किया, कूल किया तो किसमें चेंज होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। गैस को कूल करेंगे तो किसमें चेंज होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। साथ में बोलते रहो आप लोग, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब देखो
और लिक्विड को हम फिर कूल करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा भाई, लिक्विड को फिर से कूल कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड को हम कूल करेंगे फिर से, यानी कि हीट वापस ले रहे हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, या फिर हम उसे फ्रीजिंग भी कहते हैं। पानी का बर्फ बन जाता है, वही क्या होता है सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग होता है। आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये चीज़ समझना आप लोग थोड़ा सा। सॉलिड को हीट किया हमने, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और लिक्विड को हीट किया हमने तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब फिर से हम क्या किए, जब गैस को ठंडा करेंगे यानी कंडेंस, उससे प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, तो लिक्विड में चेंज होगा। अब लिक्विड को फिर कूल करेंगे तो सॉलिड में चेंज होगा, उसे हम फ्रीजिंग बोलेंगे या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अब दो तीन टर्म और है इससे रिलेटेड, जान लो आप लोग। मेल्टिंग क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में जिस पॉइंट जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एक चीज़ ये समझना आपको कि हर लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा हर लिक्विड का। ये मैं वाटर के लिए बता रहा हूँ या फिर गिवन लिक्विड के लिए जो चीज़ें बता रहा हूँ, यानी कि हर लिक्विड का अलग अलग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है आपको। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ हम लोग कर लिए, अब क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए अब बाई प्रेशर वाले देख लेते हैं, बाई चेंज इन प्रेशर। ये दो तरीके थे हमारे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के, पहला टेम्परेचर समझ में आया आपको, टेम्परेचर से क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो दूसरा मेथड चेंज इन प्रेशर, अभी मैंने बताया कि गैस से लिक्विड में बदलने का एक प्रोसेस है, कौन सा है, कूल करके हम लोग कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर को कम करके हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस और है प्रेशर से, प्रेशर से भी हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई क्या है, कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें गैस भरा हुआ है, इसमें गैस भरा, इसमें एक पिस्टन है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पिस्टन है। हम क्या करेंगे, जब इसको कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे, कंप्रेस एंड कूल, यानी कंप्रेस और कूल करेंगे, यानी कि पिस्टन को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में यानी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन से लिक्विड सॉरी गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये गैस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारे यहाँ सिलेंडर, हम लोग इसका एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, सीएनजी एंड एलपीजी, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज करके रखते हैं। घर में जो हम सिलेंडर यूज करते हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में गैस होता है, यानी बहुत प्रेशराइज करके रखते हैं, जैसे हम डिफ्यूज होता है उसको निकालते हैं, गैस फॉर्म में क्या करता है, निकल जाता है वो। यानी कि गैस से लिक्विड में चेंज करने का एक और तरीका है, कौन सा तरीका है, चेंज बाय प्रेशर। प्रेशर चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज ए फ्यूल यूज करते हैं दोनों को, ठीक है। और अब जो एक मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है लेटेंट हीट।